अस्सलाम वालेकुम। DIE सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का 2022 का पेपर है, बेसिक इंजीनियर सर्वे CT 114। ठीक है, इसमें भी आपने शॉर्ट सेक्शन बी में 11 करने होते हैं और सेक्शन सी में आपने 3 करने होते हैं। इस बार इस जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार ज़्यादातर जो है ना वो पिछले चैप्टर से मतलब बोले कर आ रहे हैं, यानी इसमें ये ग्रेड कंट्रोअर, ये स्टेडिया कॉन्स्टेंट, ने द मेथड ऑफ कंट्रोअरिंग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लाई लेवल, डिफाइंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे पहले ये 6 सवाल तो आखिरी चैप्टर से आए हैं 6 सवाल। ठीक है, और ये प्लेन टेबल सर्वे ये 3 या 4 चैप्टर से आया है, ये भी उससे ये उससे बाद ये उसके बाद ये फिर उसके आगे कि ऐसे ही ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और पार्ट सी में ये आपने ज़्यादातर कोशिश करें ये करें कि पार्ट सी में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करें, क्योंकि डिफाइंड ये देखें यहाँ इन्होंने दिया हुआ है डिफाइंड प्लेन टेबल सर्विंग, एक्सप्लेन रेडिएशन मेथड, और फिर इन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ टेकोमेट्री। तो ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर मेरा सजेशन लेते हैं, हमें अपने टीचर्स भी कहते हैं कि आप न्यूमेरिकल्स किया करें, तो आप सर्वे के पेपर में न्यूमेरिकल पर बहुत फोकस दिया करें। क्वेश्चन नंबर 3 है इंजीनियरिंग चैन, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है, लेकिन इसमें आपको धोखा देने के लिए देखें हमने जो प्रैक्टिस की थी ना, मैंने जो प्रैक्टिस की थी यही न्यूमेरिकल था, उसमें सिर्फ ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू चेंज की हुई थी बुक में, और पेपर में ये वाली और ये वाली वैल्यू उन्होंने चेंज की है। ये तो इंतहाई इजी है जो कि आप सबको आता होगा, फाइंड द रिड्यूस बेयरिंग फ्रॉम द गिवन होल सर्कल बेयरिंग। इसमें अपने अपने फार्मूलाज यूज होते हैं, ये भी आसान था, कन्वर्ट द फोर बेयरिंग इनटू बैक बेयरिंग, और ये राइज एंड फॉल मेथड वाला। इसमें ये वाली वैल्यू इन्होंने गलत दी थी, तो टीचर ने कहा इसको ठीक करके आप लिख लें। यानी ऐसे सवाल वो देंगे कि उसमें मतलब दो, यानी अभी यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू गलत दी होती, ये वाली सही दी होती, तो उसमें मसला होता, लेकिन उन्होंने दोनों सवाल को परफेक्टली दे के मतलब वैल्यू चेंज करके दिया, मतलब ये सवाल ठीक है। यानी इसमें एक मसला था, अभी इस मसले को ठीक कर दिया। अगर यहाँ पे देखो 2.00 था और टीचर ने कहा इधर 3.00 लिख दो, अगर यहाँ पे लिखो होता 2.41 या इस तरह कुछ लिखो होता तो फिर उसमें मसला आता। ठीक है, सेक्शन सी में ज़्यादातर कोशिश ये किया करें कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स किया करें, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस दिया करें, और कोशिश ये किया करें क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो सभी ये लोग याद करते हैं। इस बार उन्होंने ये काम किया कि देखिए डिफाइंड ग्रेड कंटूअर लास्ट चैप्टर से आता है, स्टेडिया कॉन्स्टेंट लास्ट चैप्टर, कंटूअरिंग मेथड व्हाट इज़ द पर्पस, फ्लाई लेवलिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये देखिए ये आखिरी चैप्टर से आ रहे हैं, इसलिए आखिरी चैप्टर पे भी ज़्यादा फोकस दिया करें। ये आप ये ना किया करें कि पहले चैप्टर को याद करके और फिर आखिरी चैप्टर छोड़ दिया करें, आप आखिरी चैप्टर के पहले पॉइंट्स देख लिया करें, एक नज़र देख लिया करें कि आपके दिमाग में बैठ जाया करें। यानी देखें ये डिफाइंड स्टेडिया कॉन्स्टेंट, डिफाइंड ग्रेड कंटूअर, ये फर्स्ट है, ये जो पहले 3 सवाल है ये आखिरी चैप्टर से हैं, डिफाइंड ग्रेड कंटूअर, डिफाइंड स्टेडिया कॉन्स्टेंट, ये आखिरी चैप्टर के पहले टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसलिए आप आराम से अपना पेपर याद करें, और ये है 2022 का पास्ट का पेपर।